भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भजरे भजरे। आइए सुनते हैं आज की कहानी स्वाधीन। एक कुत्ता और बाघ दोस्त बन गए। कुत्ता काफी मोटा ताजा था और बाघ दुबला पतला। एक दिन बाघ ने कुत्ते से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम इतने मोटे तगड़े और बलशाली कैसे हुए? तुम रोज क्या खाते हो? मैं तो दिन रात भोजन की खोज में घूमकर भी भरपेट नहीं खा पाता। किसी किसी दिन तो मुझे उपवास भी करना पड़ता है। भोजन न मिल पाने के कारण ही मैं इतना कमजोर हूँ। कुत्ते ने कहा, मैं जो करता हूँ तुम भी अगर वैसा ही कर सको तो तुम्हें भी मेरे जैसा ही भोजन मिल जाएगा। बाघ ने पूछा, तुम्हें क्या करना पड़ता है, जरा बताओ तो सही। कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं, रात को मालिक के मकान की रखवाली करनी पड़ती है। बाघ बोला, बस इतना ही? इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोजन की तलाश में वन वन भटकता हुआ धूप तथा वर्षा से बड़ा कष्ट पाता हूँ। अब और ये कलेश नहीं सहा जाता। यदि धूप और वर्षा के समय घर में रहने को मिले और भूख के समय भरपेट खाने को मिले तब तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बाघ की दुख भरी बातें सुनकर कुत्ते ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ, मैं मालिक से कहकर तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देता हूँ। बाघ कुत्ते के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाघ को कुत्ते की गर्दन पर एक दाग दिखाई पड़ा। ये देखकर बाघ ने कुत्ते से पूछा, भाई तुम्हारी गर्दन पर यह कैसा दाग है? कुत्ता बोला, अरे वो कुछ भी नहीं है। बाघ ने कहा, नहीं भाई मुझे बताओ, मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। कुत्ता बोला, गर्दन में कुछ भी नहीं है, लगता है पट्टे का दाग लगा होगा। बाघ ने कहा, पट्टा क्यों? कुत्ते ने कहा, पट्टे में जंजीर फंसाकर पूरा दिन मुझे बांध कर रखा जाता है। ये सुन बाघ विस्मित होकर कह उठा, जंजीर से बांध कर रखा जाता है? तब तो तुम जब जहां जाने की इच्छा हो जा नहीं सकते। कुत्ता बोला, ऐसी बात नहीं है, दिन के समय भले ही बंधा रहता हूँ परंतु रात के समय मुझे छोड़ दिया जाता है, तब मैं जहां चाहे खुशी से जा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मालिक के नौकर मेरी कितनी देखभाल करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, स्नान कराते हैं, कभी कभी मालिक भी स्नेह पूर्वक मेरे शरीर पर हाथ फेरता है। जरा सोचो मैं कितने सुख में रहता हूँ। बाघ ने कहा, भाई तुम्हारा सुख तुम्ही को मुबारक हो, मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है। अत्यंत पराधीन होकर राज सुख भोगने की अपेक्षा स्वाधीन रहकर भूख का कष्ट उठाना हजार गुना अच्छा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर बाघ फिर जंगल की तरफ लौट गया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा।